टाइम्स डेली HD न्यूज। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक के विधायक संजय शुक्ला एवं अंजलि संजय शुक्ला के संयोजन में विधानसभा के प्रत्येक बूथों पर पार्थिव शिव पिंड निर्माण एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग के रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 11 में 3 बूथों पर आयोजन सम्पन्न हो चुका है। आज बुधवार को चतुर्थ बूथ पर भागीरथपुरा कमेटी हॉल में विधायक प्रतिनिधि शुभम सांवरिया की अगुवाई में 130 परिवारों ने पार्थिव शिव पिंड निर्माण एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग रुद्राभिषेक में भाग लिया। इस दौरान विद्वान पंडित द्वारा विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस अवसर पर अंजलि संजय शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भगवान शिव की पूजा से सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और मानव मात्र के संकट समाप्त होते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को रुद्राभिषेक के आयोजन में वार्ड क्रमांक 11 के विधायक प्रतिनिधि शुभम सांवरिया, राजाराम बोरासी, रमेश बींचवा, भूपेंद्र तिवारी, हेमचंद बोरासी, आनंद दुबे, मदन यादव, ओम प्रकाश मिश्रा, पूनम सांवरिया एवं गौतम भैया मुख्य रूप से उपस्थित थे। कि आज हम विधानसभा एक भागीरथपुरा से 11 नंबर वार्ड से आज हमारा चौथे बूथ पे ये रुद्राभिषेक का प्रोग्राम रखा गया है विधायक संजय शुक्ला जी के द्वारा। और यहाँ पर सभी लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं और पूरा 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ये पूरा रुद्राभिषेक किया जाता है। क्या मन में भावना रहती है रुद्राभिषेक को लेकर आप? देखिए, रुद्राभिषेक करना तो शिव की पूजा करना ही अपने आप में बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। शिव पूजा करने से ही सारे हमारे कष्ट का निवारण होता है, बहुत सारे काम बाधाएं रुकते हैं, तो इसीलिए इसको कराया जाता है। इस सभी चीज़ों की शांति के लिए भी रुद्राभिषेक कराया जाता है। संजय शुक्ला जी का संकल्प है, जो कोरोना काल में 2 साल से नहीं हो पाया है, तो विधायक जी ने संकल्प लिया है कि हर बूथ पे अपनी माता बहनों को रुद्राभिषेक कराया जाए। और ये हमारा आज चौथा बूथ का नंबर है और आयोजन हमारा कमेटी हॉल पे हो रहा है। इसमें हम हर एक घर पे जाते हैं, माता बहनों का रजिस्ट्रेशन करते हैं और उन्हें अभिषेक के लिए आग्रह करते हैं। तो आज हमारे यहाँ 130 जनों ने एक बूथ पे से 130 परिवार आए हैं बाबा का अभिषेक करने। देखा गया सभी के पास शिवलिंग भी है, क्या आप लोगों ने उपलब्ध कराया है? ये सब विधायक जी ने कराए हैं। और लोगों में किस तरह श्रद्धा जागृत है, क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा के मतलब बहुत ही बाबा का आशीर्वाद है। सावन सोमवार में हमारे भक्तिमय है, बुधवार और शनिवार विधायक जी ने 2 दिन हमारे तय कर रहे हैं वार्ड में रुद्राभिषेक के लिए। तो दिन पे दिन बाबा की भक्ति बढ़ती जा रही है और सभी माता बहनों का आशीर्वाद विधायक जी पर है और प्रभु का भी आशीर्वाद है। देखा गया बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सब बैठे हुए हैं, माहौल चल रहा है, पंडित जी जो है हवन कर रहे हैं, अभिषेक क्या करना चाहिए? ये सब हमारे विधायक संजय शुक्ला जी के द्वारा निर्देश अनुसार हो रहा है। जैसी भैया ने हमारे गाइडलाइन बनाई है, हम उसी अनुसार अभिषेक करवा रहे हैं।